हेलो, गुड मॉर्निंग टू फैमिली, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? सो आई होप सो सब अच्छे ही होंगे। एंड अभी आज के व्लॉग की शुरुआत इस पे से ही हो रही है, एंड बहुत दिनों के बाद आज दोबारा से फिर से व्लॉगिंग कर रही हूँ। और अभी अमित जी बाहर है क्योंकि आज हमने कुछ बहुत दिनों पहले कुछ ऑर्डर किया था, सुबह आने वाला है, उसकी मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगी एंड दिखाऊंगी कि क्या ऑर्डर किया है। बाकी बाहर का माहौल कुछ ऐसा है कि बहुत तेज धूप हो चुकी है और देखिए ये मम्मी है। और काम सारा हो चुका है, ये हमारे बच्चे और ये हमारा रूम। अभी अभी हुई है पंखे की सफाई। मम्मी पापा सब बाहर है, ये कूलर आज निकलना है, इसको ठीक कर रहे थे बट ये ख़राब हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा फिर इसको अंदर रखेंगे। अभी गर्मी होने लग गई है ना, देख ही सकते हो आप, धूप इतनी ज़्यादा है और इसको आज सुबह से लगे हुए हैं पापा और अम्मी जी, बट इसको कुछ नहीं हुआ। और अभी मैं लंच तो खा ही चुके हैं, मम्मी का आज लंच ही कवर पास्ता, उसके लिए मैंने भूनने के लिए रखे हैं ताकि टमाटर प्याज अच्छे से पक जाए। और आज मैं दूसरे वाला पास्ता बना रही हूँ, मैं आपको भी दिखाती हूँ जो कि बॉयल हो चुका है, ये वाला करली पास्ता बनने के बाद दिखाऊंगी कैसा बना है। एंड अभी मैंने तो ऐसा लंच नहीं किया, मैं पास्ता खा रही हूँ और मुझे अभी सॉस लेके आए, सॉस ख़त्म हो गई थी घर पर, दस का जो किसी चीज का पेपर है वो अपना पेपर देने गए हुए हैं, आइस हो गया दवाई लेके, रूम की हालत कुछ इस तरीके है। फ्रेंड्स हमारा पास्ता बन चुका है और हमने खाना भी स्टार्ट कर दिया है, सॉस मिला के कुछ ऐसा दिख रहा है और साथ में देखा जा रहा टीवी, एंजॉय कर रहे हैं अपने पास्ता को। सो फ्रेंड्स अभी आपने देखा अमित जी और पापा कुछ कर रहे हैं काम अपना, सुबह से ही लगे हुए हैं, आज ये पूरा दिन हो गया इन्हें। एंड मम्मी और दीदी बाहर वाले रूम में हैं, आज सो रहा है और दस शायद फोन देख रहा है। एंड लंच वगैरह जैसे मैंने आपको बताया, आज हमने बनाया था पास्ता और पहले मैंने रोटी बना दी थी, अमित जी ने खाना खा लिया था, उसके बाद इनका मन करा के आज पास्ता बना लो, मैंने पास्ता बनाया तो देखा सॉस ख़त्म है, फिर ये सॉस लेने गए एंड उसके बाद फाइनली पास्ता रेडी हुआ। और इतनी मेहनत करने के बाद, जो आपको पता है मेहनत करने के बाद बहुत अच्छा बनता है, जो पास्ता बहुत अच्छा बना था, लेकिन थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा हो गई थी स्पाइसी। एंड अभी खा खू के वो अपना काम कर रहे हैं, मैं बैठी हुई थी तो फ़ोन आ गया था, मैं उनको फ़ोन लेने गई थी बट ज़्यादा जरूरत नहीं था। एंड अभी मैं अपना शाम का काम करूँगी, वैसे तो कुछ करना नहीं है, सुबह मैंने सब्जी बना ली थी, शाम को वही चल जाएगी, रायता बना लूँगी वो आपको मैं बता दूँगी जो यूज करूँगी। एंड अभी थोड़ी देर लेट जाते हैं क्योंकि मेरे थोड़ा सा पेट में भी दर्द है, सो पहले रेस्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स चाय अभी मैंने चाय बनाई है और शाम के बाद चुके 5:30 चाय पी ली है और अभी मैं कर रही हूँ सब्जी को गर्म, कुकर से निकाल के कटोरे में रख दूँगी और कुकर को साफ कर दूँगी, सुबह काम आ जाएगा, सुबह सब टाइम सब्जी बनाऊँगी। और ये देखिए हमारे क्यूट से कान्हा जी को आजकल यही स्टोकरी में रहते हैं, मतलब हवा के लिए गर्मी होने लग गई है ना तो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे मतलब कहीं भी बैठ जाते हैं। आज तो इनका एकादशी का व्रत है, आज एकादशी है ना, तो आज हमारे गाने जी का एकादशी का व्रत है। एंड नई नई फ्रॉक डाल के बताना आप सब कैसे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी, और ऐसा लगता है ना देखो वीडियो में, मैंने ऊपर किया तो कान्हा जी जैसे ऊपर देख रहे हैं, नीचे किया तो नीचे देख रहे हैं,
सो प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको हमारे खाने में कैसे लगे। अभी देखिए हमारे बच्चे उठ चुके हैं, देख रहे हैं टीवी, और बाकी सभी बाहर है। मैंने आपको दिखाया था वो आज कूलर के पीछे हाथ धो के लगे हुए, हाथ धो के नहीं पूरा नहा धो के लगे हुए अच्छे से, मतलब ठीक करके ही मानेंगे, शायद हो भी गया, मैंने अभी तक देखा नहीं है। मैम अपने सब्जी गर्म करके फिर मेरे बात दिखाते हैं आपको बाहर, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सभी लगे हुए हैं अपनी मेहनत में, एंड अभी मेरी सब्जी पक रही है। अंदर तो अब घबराहट से होने लग गया, गर्मी से रहने लग गई है, तो हमारे एसी की सर्विस भी हो चुकी है। एंड ये देखिए अभी तक हमने हैप्पी बर्थडे वाले फुग्गे नहीं उतारे हैं, और ये गिफ्ट नीतू और का जैसे लगा हुआ है, और पुराने वाला वहाँ लगा दिया है, और टी शर्ट भी हम दोनों को फिट आई है जो उन्होंने दिया मिस्टर मिसेज वाली, वो भी बहुत प्यारी हैं, देखेंगे कभी बाहर जाएंगे तो यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर घर में यूज़ करेंगे सर्दियों में। एंड अभी मैंने वो रख दिया क्योंकि नया कपड़ा आया, सो गर्मियों में थोड़ा गर्मी लगती है। देखती हूँ अपनी सब्जी, उसके बाद बाहर दिखाते हैं आपको। अभी अभी मैं दीदी मम्मी नहर पे गए थे मछलियों को आटा डालने, एंड साथ में किरियों को आटा डालने, सो अभी अभी आए हैं। एंड मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बाहर कभी दिखाऊंगी, तो चलिए हमारे काना जी चल रही है पेंटिंग। मम्मी और दीदी देख रहे थे रील्स इंस्टाग्राम पे ऐसे ही, एंड अभी बना रही हूँ खाना, मेरा रोटी बना लेती हूँ। अमित जी का भी काम होने वाला है, उसके बाद सब भी खाना खाएंगे। मम्मी ने पपीता और खीरे ले लिए हैं, थोड़े से व्रत था ना उनको इसलिए, सो अभी खाना बना लेते हैं। अब मैं दिखाती हूँ, मैंने सब्जी गर्म करके बता दी थी, और ये मैंने आटा भी बना लिया, और अभी बना लेते हैं खाना। एंड हमारी पूजा पूजा भी हो चुकी है, ये देखिए सो चलिए अभी पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद मेरा डिनर तैयार है। एंड मैं अभी करने वाली हूँ, ये वेट कर रहा है, और साथ में चल रहा टीवी एंड एसी, और इनका काम कंप्लीट हो चुका है, सो इन्होंने खाना खा लिया है, अभी हम खा लेते हैं।